अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है आप? खैर खैरियत से हैं? तबीयत सेहत आप सबकी ठीक है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ, क्योंकि आप किसी भी वीडियो को कोई खास रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहे। मेरी मेहनत ऐसे ज़ाया जा रही थी, मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा ना बोलो, फिर सोचा चलो थोड़ी थोड़ी करके कोई ना कोई चीज़ आपको मौका दिखाती रहूँ, कोई वीडियो ऐसे डालती रहूँ, शायद आपको कोई वीडियो अच्छी लगे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ कपड़ों के डिज़ाइन लाई हूँ, उम्मीद करती हूँ वो सब आपको पसंद आएंगे। मेरा ये सूट आपको कैसा लग रहा है? ये सारे सुई का काम है, शीशा वर्क है, सुई का काम है। बड़ी मेहनत से औरतें बनाती हैं घरों में बैठ के, जो बहनें बाहर नहीं जा सकती वो घर में बैठ के अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। ये लोग भी बनाते हैं, इतने हाथ से इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, इनका वर्क होता है, बहुत मेहनत लगती है इनमें। आप लोग इनकी हौसला अफजाई किया करें। आजकल हाथ का काम, कढ़ाई वाला काम होता जा रहा है, थोड़े बहुत देहातों में होता है, होता है शहरों में बहुत कम हो गया है। क्योंकि मैं ऐसे कपड़े पसंद करती हूँ बलोची स्टाइल के, इस वजह से मैं ढूंढ ढूंढ के ऐसे बंदे ढूंढती हूँ जो मुझे ऐसे कपड़े बना कर दें। तो आज मशीन के डिज़ाइन दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आपको ये सूट पसंद आए तो फिर ज़ाहिर है ये वाले ऐसे कपड़े भी मैं आप लोगों को बलोची स्टाइल में या शीशे वाला काम में आप लोगों को दोबारा दिखाऊंगी। ये देखें, ये कमीज का डिज़ाइन अंगरखा स्टाइल में कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये कितनी मेहनत से बनाते हैं ये लोग, जो स्टिचिंग करते हैं घरों में, लेडीज़ बैठ कर करते हैं। दर्जी तो इनके बहुत प्राइस लेते हैं, ये घरों में लेडीज़ बनाते हैं और उनकी मतलब वो पैसे भी कम लेती हैं, काम भी ज़्यादा अच्छा करती हैं। ये देखें, ये शलवार है इसकी, बहुत प्यारी। ये देखें, ये इसके दामन पे लेस लगी है, ये अंगरखा स्टाइल में बना हुआ है, इधर भी सारी लेस लगी हुई है। और एक और ये सूट है, ये देखें, ये इसकी कैप्री पे काम है, ये कमीज की पट्टी लगी हुई है कैप्री के ऊपर और ये इसकी कमीज है। देखें, ये इसके बाजू है, नेक शिफॉन के बाजू है। देखें बहुत खूबसूरत बना हुआ है सूट है, सिंपल भी है, आरामदेह भी है, खूबसूरत भी है। और इनके रेट भी वो नहीं होते जो दर्जी लेते हैं, दर्जी तो 1000-1200 से कम में सूट सीते भी नहीं है। और ये वाला देखें, ये कितना खूबसूरत बना हुआ है, मुझे तो ये बहुत प्यारा लगा। ये लेस लगी है, ये देखें, ये लेस है, सीढ़ी वाली लेस है, इसके साथ मैच है बिल्कुल। और ये बाजू में भी ये लेस लगी हुई है, ये देखें, इसके बाजू ऐसे बने हुए हैं और बाजू के ऊपर ये वाली छोटी छोटी लैस लगी है, ये कुर्ते के साथ मैच है। और ये देखें, ये पीछे भी इसका डिज़ाइन बना हुआ है, सारा डिज़ाइन है इसका। ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से सफाई से बने हुए, ये इसका ट्राउज़र है। और ये एक और सूट है, देखें ये इसके दुपट्टे पे चारों तरफ से लेस लगी है, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये पूरी एम्ब्रॉयडरी काम वाला सूट है, ये देखें। ये मतलब मैं आप लोगों को सिलाई दिखा रही हूँ कि घरों में लेडीज भी कितनी सफाई से, कितनी खूबसूरती से काम करती है, मेहनत करती है, मर्दों का हाथ बटाती हैं और कुछ पैसे खुद मतलब अपनी तरफ से भी जमा कर लेती हैं घर के खराजात वगैरह चलाने के लिए। जैसे मर्द मेहनत करते हैं वैसे लेडीज़ भी कर रही हैं, बहुत काम कर रही हैं। और ये वाली देखें, ये गिंदी, ये रिली, इसको रिली बोलते हैं, ये सिंध में बनाते हैं, यहाँ पे तो ये बनाता भी कोई नहीं है। इसका काम देखें कितनी खूबसूरत तरीके से बना हुआ है, इसकी कटाई देखें, इसका काम देखें, इतना खूबसूरत किया हुआ है। इसका एक एक फूल देखें कितनी खूबसूरती से और नफासत से बना हुआ है। और ये जो इसके अंदर के कपड़े वगैरह डाल के ये देखें बनाते हैं, कितना बारीक काम होता है, बहुत खूबसूरत तरीके से करते हैं। ये भी ख्वातीन करती हैं, घर में बैठकर ख्वातीन करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं।
जो औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती वो घर में बैठ के कोई ना कोई काम जरूर कर रही होती है, ये ख्वातीन का काम है। तो आप लोग मतलब ऐसे काम देखें तो उनकी हौसला अफजाई किया करें, ख्वातीन की हौसला अफजाई किया करें करें जो ये काम करती हैं। अगर आपके इलाके में या आपके आसपास कोई ऐसे ख्वातीन हैं तो उनसे ज़रूर ये काम करवाएं। और ये कपड़े वगैरह जो दर्जी सीते हैं उनसे तो ये घर वाली जो दर्जन सीती है वो मतलब रेट भी कम लेती है, कपड़े भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सीते हैं। मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लो, थोड़े से कपड़े वगैरह दिखा दो, वीडियो भी नहीं थी, मैंने कहा कोई वीडियो भी बना दूं यूट्यूब के लिए, कब से नहीं बनाई। और ये मैं बनाने लगी हूँ चाय। हम सर्दियों और गर्मियों में चाय जरूर पीते हैं, चाय हमारी फेवरेट है, ना बोतलें पीते ना कुछ, लेकिन चाय जरूर पीते हैं। इस चाय में मैं मलेठी डालती हूँ, सौंफ डालती हूँ, थोड़ा सा गुड़ डालती हूँ और दूध के साथ बनाती हूँ। ये गले में खराश हो, खांसी हो, बलगम वगैरह हो, कोई चीज़ भी हो, मतलब उसके लिए ये बेहतरीन चाय है। चाय तो वैसे भी हर कोई पीता है, लेकिन इस तरीके से चाय पीने का मज़ा भी आता है, इसका टेस्ट भी अलग हो जाता है और इसका फ़ायदा भी हो। और साथ में ये हमने रात बिरयानी बनाई थी, मुझे चावलों के साथ बिरयानी पसंद है, मैं चाय और बिरयानी साथ में खाऊंगी रोटी की तरह, डुबो डुबो के, डुबो डुबो के तो नहीं, मतलब चाय और बिरयानी साथ में खाऊंगी। ये देखें ये बन गई हमारी चाय। ये चाय मुझे बहुत पसंद है, सर्दियों में भी मैं इसे पीती हूँ, गर्मियों में भी मैं इसे पीती हूँ। ये चीज़ें मैं सर्दियों में मलेठी वगैरह डालती हूँ, गर्मियों में कम डालती हूँ, लेकिन अब मेरा गला ख़राब है, जुकाम भी मुझे हो गया है, इस वजह से तो फिर अब मैं डालती हूँ। आज मैंने डाली है, सौंफ भी डाली है, मलेठी भी मैंने डाली है। और ये मेरी चाय हो गई रेडी और ये मेरा खाना जा रहा है, मैं खाने के लिए जाऊंगी, इसको खाऊंगी। अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं चाय ऐसे बनाती हूँ, आप लोग ऐसी चाय बना के ज़रूर पिए। ये चाय सेहत के लिए भी अच्छी होती है, गला साफ करती है, खांसी वगैरह के लिए ठीक है। बिल्ली गोश्त खाने आई है, उसको गोश्त डाल रही हूँ। ये बिल्ली गोश्त बिल्ला है, बिल्ली नहीं है, इतना गोश्त खाता है सारा दिन, इसने मेरा सिर खाया हुआ है, किचन में घुस घुस है इसके बस, या फ्रिज के पास जो ये ऐसे मेरा सिर खा जाता है। लियो लियो, इसका नाम है बहुत शैतान है, लियो बस अब हो गया ठीक है। मेरी वीडियो यहाँ पे इख्तिताम करती हूँ अपनी वीडियो का, मुझे लाइक करें, शेयर करें, और शेयर तो नहीं करें लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आइंदा अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ, मेरी हौसला अफजाई हो सके। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपकी हौसला अफजाई का इंतजार रहेगा। और मेरी बात ठीक गई है, मैं मेहंदी पे अभी अपना काम करूँ, मैं काम करा लेकिन ओके अल्लाह हाफिज़।